नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम रामधारी गुप्ता प्रतिलेखन संख्या 2 पेज नंबर 18 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा और इसकी गति पहले 60 शब्द प्रति मिनट, फिर 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। सभापति महोदय प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती है। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी है। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने न दे, उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करे। उनको अच्छे अच्छे हथियार दे। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ, परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना
पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। अब हम इसी डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती है। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी है। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने न दे, उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करे, उनको अच्छे अच्छे हथियार दे, अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ, परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। पैराग्राफ चेंज। जहाँ तक राज्य सरकारें का संबंध है, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही है और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ निष्ठापूर्वक ध्यान दे, राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत रहे
और आयुक्त को उनके कार्य में पूरा पूरा सहयोग प्रदान करे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।